रुआबांधा शीतला तालाब का गहरीकरण, सफाई कार्य प्रगति पर है। नगर निगम आयुक्त आशीष देवांगन स्वयं सभी कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रुआबांधा के शीतला तालाब की सफाई की मांग लंबे वक्त से स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही थी, क्योंकि शीतला तालाब निस्तारी का मुख्य तालाब है। लोगों की मांग के मद्देनजर शीतला तालाब की सफाई का कार्य वृहद स्तर पर शुक्रवार से शुरू किया गया। रिसाली नगर निगम के तमाम संसाधन साफ सफाई को लेकर झोंक दिए गए। रिसाली निगम आयुक्त आशीष देवांगन स्वयं सुबह से ही सफाई कार्यों की मॉनिटरिंग करते नजर आए। जेसीबी और अन्य संसाधनों की मदद से तालाब की सफाई कार्य प्रगति पर है। सफाई कार्य की लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। नगर निगम आयुक्त आशीष देवांगन, पूर्व एल्डरमैन प्रेमचंद साहू और वार्ड पार्षद ने सफाई कार्य को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे यहाँ लगभग 6 तालाब हैं, जिसमें से बड़े तालाबों में 3 तालाब है और रुआ बांधा सबसे बड़ा तालाब है। लगभग 6.5 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इसका पानी के आउटलेट का हमेशा समस्या रहा है। जब अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले इसके TDS जांच किया कि भाई इसका TDS कितना है, तो लगभग 3500 TDS इसका आया, जो कि गलत है, मतलब एक मानवीय जीवन जीने के अनुकूल नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसका साफ सफाई किया जाए, कम से कम इसके पानी को एक बार बाहर निकाला जाए, और जो बारिश का पानी आएगा तो वो कहीं ना कहीं TDS लेवल को कम कर देगा। तो सफाई अभियान हमारा चल रहा है बारिश से पहले, और हम लोगों ने इसको पहले इसलिए साफ़ नहीं किया, कई लोगों ने पूछा कि इसको पहले साफ़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारा एक प्रकार का रिजर्वायर है जो मैत्री कुंज तक का हमारे पानी के लेवल को अप करके रखता है। इस कारण पहले साफ करना ठीक नहीं था। अभी बारिश होने वाली है और गर्मी भी थोड़ी कम हुई है, तो इसको साफ करके जितना हो सके, क्योंकि यहाँ पूरे हवन सामग्री, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक सभी प्रकार के, मतलब नारियल का वो तो जो भी चीज़ें जो अब घटनी नहीं है वो सभी यहाँ मिल रही हैं, तो इसको साफ करके मिट्टी पूरी सड़ चुकी है, मिट्टियों को किनारे किनारे की मिट्टी जो सड़ी हुई है उनको चेंज, मतलब उसको उठाया जा रहा है, और इसको पानी को एक गुणवत्तापूर्ण पानी में हम लोग बदलने की कोशिश। ये तो अच्छा हम लोग का कमिश्नर मिले समय कि बिना झाड़ूपन से और अपने सफाई शासन लोग जो हैं यहाँ की सफाई के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं, और हम भी जनता, यहाँ की जनता वार्ड नंबर 2 वार्ड नंबर 3 सभी जनता को एक अपेक्षा चाहते हैं कि साफ सफाई बने रहे और कोई समय किसी प्रकार की और गंदगी न फैले। और अब संडे को हम जन समर्थन के द्वारा यहाँ पे श्रमदान करना चाह रहे हैं, ताकि लोग अपना विश्वास को समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे। मैं वार्ड नंबर 2 पार्षद टीकम सिंह साहू। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। जैसे कि आप सबको पता है, रुआ बांधा बस्ती तालाब में हम उपस्थित हुए हैं। आप देख पा रहे हैं 2006 से निर्माण हुए हैं, परंतु यहाँ पे साफ सफाई का बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे लोग जागरूक भी नहीं है। यहाँ पे तालाब में जितनी भी गंदगी हैं सब ला के रख देते हैं, और निगम अमला अभी इस बार रिसाली निगम की तरफ से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं हमें। आपको बताना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी की अनुशंसा पे यहाँ के आयुक्त जी ने निर्णय लिया, और लगे हैं आयुक्त जी डेली सुबह शाम उनके सानिध्य में, और यहाँ के हमारे वार्ड पार्षद के तत्वावधान में यह तालाब को खाली कराया जा रहा है। यहाँ इतना गंदगी है, आप यहाँ पानी आप देखेंगे तो पूरा ग्रीन हो चुका है, कीड़ा आ चुका है, और लोग यहाँ पे आसपास के लोग तो, और पूरे बस्ती वालों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी भी आसपास की जितनी गंदगी है उसको कृपया इस तालाब में ना डालें। एक कुंड बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, वहाँ पर आप लोग रखेंगे, तभी हमारा तालाब स्वच्छ होगा, नहीं तो ऐसी मुहिम चलता रहेगा और गंदगियाँ फैलती रहेगी, बीमारियाँ आती रहेंगी, कभी साफ नहीं हो सकता। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा वार्ड वासियों से, रुआ बांधा की तीनों वार्ड से निवेदन करना चाहूँगा, हम लोग श्रमदान भी करेंगे, रविवार को श्रमदान है, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, सुबह 6 बजे लेके 9-10 बजे तक हम लोग श्रमदान करेंगे, और आप सभी लोगों से अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस तालाब को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। मैं प्रेमचंद साहू, वार्ड प्रतिनिधि वार्ड 3 रुआबांधा, स्वच्छता ही सेवा समिति अध्यक्ष। बहरहाल निगम आयुक्त ने रिसाली निगम अंतर्गत सभी तालाबों की सफाई और सौंदर्यीकरण कराए जाने की बातें कही हैं, ताकि निस्तारी तालाबों में जल जनित बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे।